छत्तीसगढ़ के चर्चित फोन टैपिंग मामले में निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता अपना बयान दर्ज कराने नहीं पहुंचे हैं। मुकेश गुप्ता के नहीं पहुंचने के पीछे उनके वकील ने ईओडब्ल्यू में दलील पेश की है और बयान के लिए आखिरी अगली तारीख मुकर्रर कराई है। मिली जानकारी के अनुसार गुप्ता के वकील अमीन खान ईओडब्ल्यू दफ्तर पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने मुकेश गुप्ता की तबीयत खराब होने की दलील देकर बयान के लिए अगली तारीख मांगी है। खान ने ईओडब्ल्यू दफ्तर में उच्च अधिकारियों के समक्ष यह दलील दी है कि मुकेश गुप्ता की तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से उन्हें अचानक दिल्ली जाना पड़ा है, लिहाजा वे बयान देने के लिए आज रायपुर में आप सभी के समक्ष नहीं पहुंच पा रहे हैं। आईपीएस गुप्ता के वकील अमीन खान की दलील पर ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने भी इस बात पर अपनी रजामंदी दे दी और निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता को बयान के लिए अगली तारीख जारी कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक अमीन खान की इस दलील को सुनते हुए ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने जून महीने के पहले सप्ताह में मुकेश गुप्ता को बयान के लिए तलब किया है। गौरतलब है कि निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता पिछली दफ़ा अपने बयान के दौरान फ़ोन टैपिंग को लेकर अपना रवैया साफ कर चुके हैं। उन्होंने खुद पर लगे तमाम आरोपों को खारिज कर दिया था। पिछले दफ़ा मुकेश गुप्ता से तकरीबन 4 घंटे तक पूछताछ की गई थी। उन्होंने आईजी जीपी सिंह के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था। देश टीवी के लिए निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। न्यूली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। देश टीवी, वी रिपोर्ट, यू डिसाइड।